अरे 7 किलोमीटर तो चाल नहीं है जय, बच्चे हम लोग बैठ गए जीप में है ना गौरीकुंड के लिए। तेरा पापा कर रहे हैं कोशिश, करते हैं बैठ के ट्राई, डर तो लग रहा है चढ़ाई में, घोड़े कैसे पता नहीं। आ जाओ, यहाँ हमारे घोड़े पानी पी रहे हैं। 2013 की त्रास्ती के कुछ निशान। ले देख आंटी, हाय, हेलो बोलो, हेलो ऐसा लो बोल, हेलो ऐसा। आंटी जी कैसा लग रहा है? अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30, सभी लोग पी रहे हैं चाय वाय, और अब हमारी बस यहाँ से रुद्रप्रयाग से रवाना होगी गौरीकुंड के लिए, केदारनाथ तक के लिए। और ये होटल थी जहाँ हम लोग रुके थे। ये मम्मी, सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं, अभी चाय वाय पी रहे हैं सब, फिर निकलेंगे हम लोग केदारनाथ गौरीकुंड। यहाँ पे लगे हुए ये प्यारे प्यारे से फूल, और जहाँ हम ठहरे हैं उसके पीछे बह रही है गंगा। अभी हम लोग हैं उत्तरकाशी में, केदारनाथ यहाँ से 54 किलोमीटर है, और हम कल से चल रहे हैं केदारनाथ के लिए। 350 किलोमीटर है, और यहाँ के रास्ते क्या बहुत है ना घुमा उतार, इस वजह से गाड़ी की स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब हम आज पहुँचेंगे केदारनाथ गौरीकुंड तक, फिर शायद कल करेंगे ट्रैकिंग स्टार्ट, या फिर क्या पता हेलीकॉप्टर थोड़ा खर्चे करेंगे, तो क्योंकि हमारे साथ बुजुर्ग लोग ज़्यादा है तो इस वजह से सब लोग चल नहीं पाते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी पहुँच चुके हैं काशी में, और पीछे के नज़ारे बहुत ही औसम है, बहुत प्यारा सा नज़ारा है। ये सुबह सुबह 7 बज रहे हैं, सुबह की मॉर्निंग है ये। ये देखिए पीछे देखिए तो बर्फ ही बर्फ पहाड़ों पर, हम के बाबा केदारनाथ के धाम बस पहुंचने वाले हैं। बहुत ही सुकून भरा दृश्य है, मन को बहुत ही ज्यादा लुभावना, ऐसा लग रहा है सचमुच में स्वर्ग में आ गए। इसीलिए तो ऐसे ही नहीं कहते कि बाबा केदारनाथ स्वर्ग में निवास करते हैं। यह है उत्तराखंड की खूबसूरती। अभी हम सीतापुर में हैं, यहाँ पर होती है गाड़ियों की सभी की पार्किंग, बसें वगैरह आगे नहीं जाने देते यहाँ से, तो यहाँ सीतापुर में ही पार्किंग के लिए खड़ी करनी पड़ेगी हमारी को भी हमारी बस, और आगे जाती है फिर शेयरिंग जीप, उनमें से शेयरिंग जीप में बैठ के हमें जाना होगा गौरीकुंड तक। फिर वह यहाँ सीतापुर में ही बसों की पार्किंग होती है, सारी बसें यहीं पे खड़ी करनी होती है। ये यहाँ पे पार्किंग की रेट लिखी हुई है, कितनी क्या लेते हैं। ये है सीतापुर पार्किंग, यहाँ पे हमारी बस यहाँ पे खड़ी हो गई है, और अब हम जा रहे हैं गौरीकुंड की तरफ। हमारी केदारनाथ की ट्रैक स्टार्ट हो चुकी है, वैसे 1.5 किलोमीटर तो यहाँ पे चलना पड़ता है,
और गोरखकुंड से फिर आगे जो मेन ट्रैक है वो स्टार्ट होगा। तो मम्मी और आ रहे हैं, सबने स्नान वनान कर लिया, रेडी हो गए, अभी बज रहे हैं 12। जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं इस तरीके से। और अब जो सामने दिख रहा है वो है सोनप्रयाग, वहाँ से मिलेगी हमें शेयरिंग जीप, वो छोड़ेगी गोरखकुंड। ये सोनप्रयाग आ गया है और अब हमें मिलेगी यहाँ से जीप, जीप के लिए पूछना पड़ेगा। ये यहाँ पे पूरा किराया लिखा हुआ है, किसका कितना लगता है। यहाँ पे सोनप्रयाग की पार्किंग और लकड़ी वगैरह, सर्दी कपड़े नहीं लेके आए तो यहाँ से ले सकते हैं। ये सोनप्रयाग की पार्किंग एरिया है जहाँ पे फोर व्हीलर वगैरह सब यहाँ पे पार्क करके फिर आगे गोरखकुंड तक जाते हैं। यहाँ से आगे गाड़ियाँ वगैरह नहीं जाने देते। गोरखकुंड यहाँ से 5 किलोमीटर। अभी 2.5 किलोमीटर तक चल लिए, पर गोरखकुंड के लिए जो जीप मिलती है उसका पता नहीं चल रहा है। किलोमीटर तो चाल नहीं है जय बच्चे, हम लोग बैठ गए जीप में गोरखकुंड के लिए। चाल बता नहीं ना तो बार बार थोड़ा राम जी ककरी कुंड में कीड़ा का कुंड में ना के तेल में तेरे ब्राह्मण मैंने के दर्पावे जदि वे देखे चल लो केदारनाथ हरा बद्रीनाथ चल लो घूम नो धन कुंड कर ना पूरे रास्ते में बहुत ज्यादा जाम लगी हुई है और हमें जाना है वो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है वहां तक। आ जाओ। गया है गोरखकुंड, निकल गया, कट निकल गया नाना है ना पाकि के बात सब गोरखकुंड तो मिले ले ली ना वा ना ले मगर ये खटा के ये खटा ले यहाँ पे अगर घोड़े खच्चर ऊपर बैठना चाहते हैं तो यहाँ से घोड़े खच्चर वगैरह होते हैं। हमारे लिए भी इस जगह पापा कर रहे हैं कोशिश।
करते हैं बैठ के ट्राई, डर तो लग रहा है चढ़ाई में, घोड़े कैसे पता नहीं, पापा मान नहीं रहे तो हम भी देखते हैं पैदल जाते हैं या घोड़े पे आगे बताते हैं। आंटी जी कैसा लग रहा है? नया एक्सपीरियंस घोड़े पर। ये हम लोग घोड़े पे बैठे हैं। ओ जरूर सब देखेंगे। और अभी 13 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी बची है। जाना मत। बहुत डर लग रहा है फर्स्ट टाइम। मम्मी को चढ़ना नहीं आता तो पापा ने हमारे को भी बिठा लिया। नहीं सब चढ़ेंगे साथ में, बैठेंगे तो सब साथ में ही बैठेंगे। और ये मम्मी कोमल, पापा पीछे। अरे ये हिल मत भाई, बहुत डर लग रहा है। चलो चलते हैं मंदिर। पापा निकल गए के। पापा आगे हजार 13 की त्रास्ती के कुछ निशान। हाँ ले देख आंटी। हाय हेलो बोलो। हेलो ऐसा लो बोल। हेलो ऐसा लो बोल। हाँ नहीं हाथ छोड़ने नहीं है वहाँ से। चाय बना दो भैया। चार चाय पानी के लिए रुके हैं। बहुत डरावना सफर है। कैसा लग रहा है घोड़े पे? दुख रहा है पूरा। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लग रहे हैं हमें। मम्मी ने भैया बैग लेना। भैया ये बैग उठाना थोड़ा बेटा। भैया चक्कर आ रहा है। आ जाओ अभी। हम लोग तो नीचे से चल के आए घोड़े पे, थोड़ी देर के लिए रुके हैं, घोड़े को भी विश्राम दे रहे हैं और हमने भी चाय वगैरह पिए, नाश्ता वगैरह किया है। अभी हमारा केदारनाथ का ट्रैक चल रहा है घोड़े के ऊपर। रास्ते में दो घोड़े भी हमें मरे हुए दिखाई दिए। घोड़े का सफर भी सेफ नहीं है, जगह जगह घोड़ा बार बार फिसल जाते हैं करते हैं, पर क्या करें, घर वाले माने नहीं तो फिर बैठना ही पड़ा मम्मी और के साथ में। मम्मी और से चला नहीं जाता है तो फिर मम्मी पापा और बैठे तो फिर हम दोनों को छोड़ते नहीं ना पीछे, मम्मी और दोनों बहनों को। इस वजह से अभी हमें जाना है 9 किलोमीटर यहाँ से, और अभी हम कौन से गांव में हैं ये मुझे पता नहीं, शायद छोटी निंचोली या बड़ी निंचोली ऐसा कुछ है। यहाँ पे हेलीकॉप्टर की सुविधा भी है। हमने करने की कोशिश की थी बट 3 महीने पहले ये बुकिंग करवानी पड़ती है हेलीकॉप्टर के लिए। तो अभी हम घोड़े पे जा रहे हैं, आते टाइम तो बिल्कुल भी घोड़े पे नहीं बैठेंगे। बहुत ज़्यादा घोड़ा फिसल रहा है, डर रहा है, हमें डर लग रहा है वो गिर गया। ये देखिए इस तरीके से घोड़े गिर जाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं। कहाँ पे है तुम? बता तुम्हें।
छोटा सा जाम नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, उतरिया बच्चा काम कर बल आई बस। हाँ आपको कैसा लग रहा है करता करता पहली बार घोड़े में? आपको कैसा लगा बहन? अच्छा डर वापस पैदल ही आऊंगी, डर लग रहा है आते वक्त बहुत ज्यादा इसलिए ढलान में। ठंड भी यहाँ पे बढ़ गई है बहुत ज्यादा, अभी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है मेरी, तो इस वजह से चेहरा भी ऐसा डर सा हो रहा है। और मम्मी और ये सब कर दे रही, आंटी जी को बैठे मैं यहाँ कर रही हूँ ब्लॉगिंग। यहाँ हमारे घोड़े पानी पी रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ और अभी कर रहे हैं खाना खा रहे हैं। ये मेरी मैगी पापा और खा रहे हैं आलू के पराठे, आंटी जी कोमल मम्मी और यहाँ पे जो बेस कैंप बना हुआ है केदारनाथ का, वहाँ पे घोड़े वाले ने हमारे को यहाँ पे उतारा है। तो आज रात हम यही रुकेंगे, अभी कपाट भी बंद हो चुके हैं मंदिर के और सुबह करेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। आज के लिए रात यही रुकेंगे, टेंट कैंप बुक किया है तो ठीक है। चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल केदारनाथ के नए ब्लॉग के साथ। बाय।